वेलकम ऑल। आज हम करने जा रहे हैं अपना थर्ड टॉपिक, वो क्या है? वाक्य विचार। ठीक है, इससे पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं, वर्ण विचार और शब्द विचार। वर्ण विचार क्या होता है, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना कर सके उनको वर्ण कहते हैं। इसकी फुल वीडियो मैं आपको बता के दे चुकी हूँ। सेकंड टॉपिक था हमारा शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, वो कितने तरह के होते हैं, इसकी भी फुल वीडियो मैं आपको बता के दे चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, शब्दों के आगे पार्ट्स भी मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बोला था कि उनकी आगे की डिटेल मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, बट उससे पहले हम जान लेते हैं वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार के बाद हम अपना आगे शब्दों की जो डिटेल है हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है, तो अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया, शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं, वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको शब्द में बताया था कि वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, इसी तरह शब्दों का सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले और व्यवस्थित और वह एक रूल में हो, व्यवस्था में हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लिखना है मैंने पानी पिया, अब पानी मैंने पिया, पिया मैंने पानी, ये व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित रूप क्या है, मैंने पानी पिया, तो वाक्य का एक व्यवस्थित रूप होता है और उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, सार्थक और व्यवस्थित रूप को शब्दों का समूह होता है वाक्य, जिसमें सार्थक शब्द होते हैं और व्यवस्थित समूह होता है उसका, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना क्या है, वाक्य के लिए सार्थक शब्दों का समूह होना और उसका एक व्यवस्थित क्रम होना जरूरी है। वाक्य में वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी। वाक्य के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि उसमें एक पूरा भाव स्पष्ट होना चाहिए, मतलब आपका मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए वाक्य में कि आप क्या कह रहे हो। पूर्ण वाक्य करने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया भी होती है जिससे वो वाक्य पूरा होता है। देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। ये पद भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा पद, क्रिया पद, विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद। इनको भी हम डिटेल में अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो पार्ट होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे बताने वाला शब्द या शब्दों का समूह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य है, जैसे डेविड फल तोड़ रहा है। अब किसकी बात हो रही है, डेविड की, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, डेविड। एक सुंदर युवा स्त्री बाजार जा रही है, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, एक स्त्री की, सुंदर और युवा स्त्री की। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया, सुंदर और युवा स्त्री। इसके बाद दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी है, अब बात किसकी हो रही है, लोगों की भीड़ लगी है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया, लोगों की भीड़। ठीक है, ऊपर के वाक्य में डेविड, सुंदर युवा स्त्री और लोगों की भीड़ के बारे में बात की जा रही है, अतः ये क्या है, उसके उद्देश्य हैं, और उद्देश्य को हम क्या कहते हैं, कर्ता। अब उद्देश्य के बारे में हम अपना विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्य कभी कभी एक शब्द होता है, जैसे डेविड पहले वाक्य में हमने पढ़ा। उद्देश्य कभी कभी एक से अधिक शब्द भी हो जाते हैं, जैसे हमने दूसरे और तीसरे वाक्य में पढ़ा, एक सुंदर युवा स्त्री और लोगों की भीड़, तो एक से ज्यादा शब्द हो गए। जिन शब्दों का प्रयोग उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए किया जाता है वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, जैसे एक सुंदर स्त्री और लोगों की में स्त्री और भीड़ तो उद्देश्य है, उद्देश्य की विशेषता बता रहे हैं, यह उद्देश्य के विस्तार है। इसी प्रकार कर्ता की विशेषता भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आती है। अब हमारी बात होती है विधेय की। विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे फल तोड़ रहा है, तो डेविड क्या कर रहा है, फल तोड़ रहा है। डेविड तो हमारा उद्देश्य हो गया, तो विधेय क्या हो गया, फल तोड़ना।
ठीक है, सुंदर और युवा स्त्री बाजार जा रही है। बाजार जाना क्या हो गया? बाजार जा रही है हमारा विधेय हो गया, दुर्घटना स्थल पर लगी थी, ये क्या हो गया हमारा विधेय। भीड़ तो हमारा उद्देश्य हो गया था और दुर्घटना स्थल पर लगी थी हमारा विधेय हो गया। ठीक है, तो विधेय का विस्तार किए, वाक्य में उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी रह जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। और विधेय में हमारे क्या आ जाते हैं? कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रियापद आदि, ये हमारे विधेय में आ जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है? आगे हमारे उद्देश्य की तरह विधेय का भी विस्तार होता है। विधेय का विस्तार क्रिया पूरक कर्म, कर्म कर्म विस्तार और क्रिया विशेषण आदि होते हैं। उद्देश्य और विधेय में कुछ उदाहरण है, पीली साड़ी पहनी हुई महिला। ठीक है, अब पीली साड़ी आपकी क्या होगी? कर्ता होगी। पीली साड़ी पहनी हुई महिला आपकी कर्ता होगी, उस और गई आपकी हो गया विधेय। फिर आगे लाए, मेरी माताजी आज आ रही है। मेरी माताजी तो उद्देश्य हो गया या कर्ता हो गया, आज आ रही है उसका विधेय हो गया। रोहित फुटबॉल का मैच देखने गया, रोहित उद्देश्य या कर्ता हो गया और फुटबॉल का मैच देखने गया, उसका विधेय हो गया। और अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे, अयोध्या नरेश दशरथ हमारा उद्देश्य या कर्ता हो गया, एक प्रतापी राजा थे, हमारा विधेय हो गया। शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता है, शाहरुख या कर्ता हो गया, एक श्रेष्ठ अभिनेता है, हमारा विधेय हो गया। इसमें हमने बातें क्या याद रखनी है? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? पूर्ण वाक्य के लिए उसमें कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। वाक्य के और वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो उसका विधेय होता है। आशा है ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर